यार मेरा नाम है रोहित। तो अगर आप MIUI की लुक से जो है वो बोर हो चुके हैं तो आज की वीडियो में आपके फ़ोन को थोड़ा सा रोमांचक बनाने वाला हूँ। थीम की वीडियो है, काफ़ी दिनों के बाद थीम पे वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे थीम हैं, टॉप 4 हैं, होपफुली आपको कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा। अगर पसंद आ जाता है या आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा पहला थीम है जेन मोरांडी, ये आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पर स्वाइप करते हैं लेफ्ट तो आपको कुछ इस प्रकार का UI मिलता है। तो आपको विजेट, आपकी बैटरी एंड ऑल दैट, अगर आपको डार्क मोड पसंद है तो यहाँ पर आप डार्क मोड भी लगा सकते हैं। तो थोड़े बहुत विजेट यहाँ पर मिल जाते हैं। आइकॉन पैक आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी यूनिक है, आपको मेरे हिसाब से पसंद आ जाएगा। और विजेट जो है वो कुछ इस प्रकार का है। तो बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो ये जो है ऐसा थीम चला आ रहा है, आप देखेंगे काफ़ी यूनिक जो है आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपके डिवाइस में मी डायलर है तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और जो सेटिंग्स है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार की हैं, आप देखेंगे बिल्कुल वही जो है वो थीम चला आ रहा है। तो काफ़ी यूनिक आपको एक लुक प्रोवाइड कर देगा। बैक जेस्चर्स भी चेंज हो जाते हैं और आपका बैटरी आइकॉन एंड ऑल दैट भी चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा थीम है। तो नेक्स्ट थीम है दोस्तों पेन लाइन, ये भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। तो इसकी लॉक स्क्रीन जो है वो काफी सिंपल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगी। डिवाइस को अनलॉक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आइकॉन पैक देखने को मिलेगा, जो मेरे को यार बहुत ही ज्यादा यूनिक लगा, काफी कलरफुल है और अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का विजेट मिल जाता है जिसमें आपको डेटा यूसेज, आपका जो वेदर है एंड ऑल द स्टेप्स, क्लॉक जो है वो वेदर, सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो अच्छा थीम है। और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो कंट्रोल सेंटर जो है वो भी चेंज हो गया है, स्टेटस बार, जो बैटरी आइकन और ऑल दैट काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी लुक आपको कंट्रोल सेंटर में भी देखने को मिलती है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो फ़ोन डायलर है वो कुछ इस प्रकार का है, अगर आपके डिवाइस में MI का डायलर है, अगर गूगल डायलर है तो ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार की लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बैक जेस्चर जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ताकि आपको एक रिफ्रेश फील हो जाए, MIUI जैसा ना लगे। तो यार नेक्स्ट थीम है FabUI, ये भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा। तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में जब आप अपना डिवाइस चार्जिंग में लगाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि यार काफ़ी यूनिक लगता है। और अगर आप लेफ्ट हैंड स्वाइप करते हैं लेफ्ट हैंड में तो आपको यहाँ पर जो है आपके सारे टॉगल्स ऊपर देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े विजेट हैं, यहाँ पर कुछ आइकॉन है और आपका म्यूजिक प्लेयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा थीम है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको आइकॉन पैक यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरे को यार आइकॉन पैक बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा हैवी नहीं है। और आपको विजेट सिस्टम कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप डबल टैप करते हैं तो आपको जो है वो डिफरेंट UI देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट विजेट मिल जाते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है विजेट चेंज कर सकते हैं, म्यूजिक एंड वेदर, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो आपको कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, काफ़ी कलरफुल है, ब्राइटनेस स्लाइडर जो है वो राउंड कर दिया गया है, तो आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर देगा ये। तो मेरे को कंट्रोल सेंटर में भी कोई इशू नहीं लगा। सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की लुक देखने को मिल जाती है, बैक जेस्चर चेंज हो जाते हैं, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं यहाँ पर जो है वो सेटिंग्स में, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो जो नेक्स्ट थीम है वो है प्रोजेक्ट रिवर। तो गाइज लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है, बड़े बड़े विजेट हैं, बैटरी है और छोटे मोटे आइकॉन नीचे मिल जाते हैं, तो कुछ इस प्रकार की लुक मिलती है। अनलॉक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आइकॉन पैक देखने को मिलता है, 3D लुक देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार के आपको जो है वो विजेट देखने को मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक लगते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल वाइट थीम है, तो कंट्रोल सेंटर जो है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है, तो यूनिक लुक आपके डिवाइस को प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो अगर आपके डिवाइस में MI का डायलर है तो कुछ इस प्रकार की लुक आपको देखने को मिलेगी। गूगल का डायलर चेंज नहीं होता है। सेटिंग्स में जाते हैं तो आपका जो अबाउट फोन का सेक्शन है कुछ इस प्रकार का हो जाता है, आप देखेंगे काफी यूनिक लुक आपके डिवाइस को दे देता है। तो ये जो है वो 3-4 थीम है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कीजिएगा।